जन्नत के जख्मों को भरने की जद्दोजहद जारी है। अब तक घाटी के बाढ़ग्रस्त इलाकों से करीब 1,00,000 लोगों को बचाया गया है। सेना के ऑपरेशन मेघ राहत और ऑपरेशन सहायता के बावजूद लाखों लोग अब भी मदद की बाट जोह रहे हैं। जन्नत को बचाना है, राहत और बचाव का काम जोरों पर। अब तक 1,00,000 लोग बचाए गए। श्रीनगर में मोबाइल सेवाएं बहाल हुई। श्रीनगर में आज मौसम साफ है और यहां मोबाइल सेवाएं बहाल हो गई हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी भी राहत और बचाव के काम को मॉनिटर करने के लिए श्रीनगर पहुंचे हैं। आर्मी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में 18 राहत कैंप बनाए हैं। जिन लोगों को सेना ने बचाया है उनमें नेपाल के राजदूत और पाकिस्तान की गोल्फ टीम के 28 सदस्य भी शामिल हैं। राहत के काम में एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार जुटी हैं। उसमें फ्लड सिचुएशन से कैजुअलिटीज तो हुई हैं, लेकिन फ्लड सिचुएशन से काफ़ी माली नुकसान हुआ है, तो हमें इसके लिए जो रिलीफ ऑपरेशन है वो रेड क्रॉस है, जो रिलीफ ऑपरेशन है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और हमें स्टेट्स की तरफ से और रेड क्रॉस की तरफ से बहुत मटेरियल आ रहा है और भाई जहाज़ों से डेली हमें सामान आ रहा है और हम भाई रोड इवन पंजाब जलंधर पठानकोट से और अमृतसर से सामान मंगवा रहे हैं। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान पहुँचाया है। यहाँ अब भी कई इलाके ऐसे हैं जो देश और दुनिया से पूरी तरह कटे हुए हैं। पूंछ के खांटेर इलाके के कई गांवों की ऐसी ही हालत है। बाढ़ और भूस्खलन ने यहाँ के 7 गांवों के लगभग 30,000 लोगों को पूरी तरह बंधक बना लिया है। यहाँ पहुँचने के सभी रास्ते पूरी तरह बंद हैं। ऐसे में बारिश रुकने के बाद सेना के जवान यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पीड़ितों तक मदद पहुँचाई जा सके। नाला जहाँ पे BSF का लोकेशन है और वहाँ से शेरे कश्मीर ब्रिज जो पुंछ का एंट्री पॉइंट है वहाँ तक का एरिया अप्रॉक्सीमेटली 1.2 किलोमीटर कम्प्लीटली फॉर्मेशन नदी ने वॉश आउट कर दिया है। इसके लिए पूरी नई रोड बनानी पड़ेगी 1.2 टू 1.5 किलोमीटर तक की। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इक्विपमेंट ऑलरेडी हमने पुंछ साइड से प्लेस कर दिया है, कलई साइड से आज हम प्लेस करने वाले हैं। बाढ़ का असर भारत और पाकिस्तान के स्थानीय व्यापार पर भी पड़ा है। यहाँ के चक्कंदाबाग से होकर गुजरने वाला व्यापारिक रास्ता पूरी तरह से बंद है। इस रास्ते के ज्यादातर पुल और सड़कें टूट चुकी हैं। ऐसे में फिलहाल दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार को स्थगित कर दिया गया है। मुजम्मिल रशीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज़।